गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकमिंग जी के क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 9, एनिमल वर्ल्ड। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज गिवन बिलो। पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और क्लूज को रीड करना है। अनसर्कल द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन वर्ड सर्च। और हमें जो क्लू दिए गए हैं उसी से हमें इस एनिमल का नाम सर्च करना है। मैंने यहाँ देखी एनिमल्स के नाम पहले से ही लिख के रख दिए हैं। इल्क, मिंक, याक, लीमर, रैकून, ऑपजम, लेपर्ड, वालरस। हमारे पास एट पिक्चर्स हैं और एट ही क्लूज हैं। नंबर वन जो क्लू है हमारा, इट इज द लार्जेस्ट डियर फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यह सबसे बड़ा डियर है और नॉर्दर्न अर्धगोल में पाया जाता है, यानी कि आधे नॉर्दर्न में यह पाया जाता है। यह एक डियर है, तो हमें देखना है यह कौन है हमारा। अब हम यहाँ सर्कल कर देंगे एल्क, नंबर टू है हमारा, इट इज द एम्फीबियन एंड हंटेड फॉर इट्स फर। एम्फीबियन होता है जल और थल दोनों में रहने वाला उभयचर जानवर और हंटेड फॉर इट्स फर। यह है हमारा मिंक। मिंक जो है पानी में भी रहता है और भूमि पर भी रहता है और इसकी फर हम यूज करते हैं, इसीलिए इसका शिकार किया जाता है। हम मिंक पे सर्कल लगा देंगे। हमने मिंक पर सर्कल लगा दिया है। अब थर्ड है हमारा, इट इज रेड विथ फॉर मिल्क इन तिब्बत। रेड होता है पाला जाना, रेड पाला जाना। यह दूध के लिए तिब्बत में पाला जाता है, तो यह है हमारा नंबर थ्री याक। हम याक को सर्कल कर देंगे। हमने याक को सर्कल कर दिया है। फोर नंबर है हमारा, इट इज ट्री ड्वेलिंग प्रीमेट विद ए स्टेप्ड टेल। यह वृक्षों में निवास करने वाला स्टिप्ड, जैसे धारीधार घोड़ा होता है, इसकी टेल पर धारियां बनी होती हैं, स्ट्रिप्स बनी होती हैं, तो यह है हमारा लीमर। हम लीमर पर सर्कल कर देंगे। लीमर सिलेक्ट हो चुका है हमारा। अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर। नंबर फाइव है, इट हैज ब्लैक मास्क अक्रॉस इट्स आईज एंड ब्लैक बैंड्स ऑन इट्स बुशी टेल। इसकी आईज पर भी ब्लैक मास्क होता है और इसकी टेल पर भी ब्लैक बैंड्स होती है। नंबर फाइव है हमारा रैकून। हम रैकून को सर्कल कर देंगे। यहाँ हमारा रैकून है। इट प्रिटेंड्स टू बी डेड व्हेन फ्राइटेंड। यह जब डरा हुआ होता है तो अपने आप को मृत दिखाने की कोशिश करता है, मरा हुआ दिखाने की कोशिश करता है। ओपोसम, हम ओपोसम पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर सेवन, इट हंट्स एट नाइट एंड लिव्स इन ट्रीज। यह रात को शिकार करता है और पेड़ों में रहता है। यह हमारा एनिमल है लेपर्ड। हम लेपर्ड को सर्कल करेंगे। नंबर एट है हमारा, इट इज ए सी मैमल विद लॉन्ग कर्विंग टास्क। सी मैमल है हमारा लॉन्ग टास्क वाला वालरस। हम वालरस पे टिक करेंगे।
वालरस, हमने वालरस पर सर्कल कर दिया है। नंबर वन है हमारा एल्क, नंबर टू मिंक, नंबर थ्री याक, नंबर फोर लीमर, नंबर फाइव रैकून, नंबर सिक्स अपॉसम, नंबर सेवन लेपर्ड, नंबर एट वालरस। फैक्ट फाइंडर है, गोरिलास बिल्ड न्यू स्लीपिंग नेस्ट विद ब्रांचेज एंड लीव्स। पिक्चर हंट है हमारा, नेम द अफ्रीकन मैमल नोन एज रिवर हॉर्स। उस अफ्रीकन मैमल का नाम बताना है जो रिवर हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, हिपोपोटामस। हमने यहाँ लिख दिया है, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन 10, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट। गिवन बिलो द नेम्स ऑफ सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स विच वी यूज फॉर मेजरिंग थिंग्स। नीचे कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिनके नाम बताने हैं हमें, और वह इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, क्या नापता है, यह भी बताना है। रीड द स्टेटमेंट्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तीन उसके ऑप्शन दिए गए हैं और हमें जो राइट है उसी पे ही टिक करना है। नंबर वन है द बैरोमीटर मेजर्स। बैरोमीटर क्या नापता है? बैरोमीटर मेजर्स करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम यहाँ टिक लगा देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। नंबर टू है इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय। इंटेंसिटी ऑफ साउंड नापता है हमारा ऑडियो मीटर। हम ऑडियो मीटर पर टिक लगाएंगे। नंबर थ्री है विच इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन ए मैग्निफाइड व्यू ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी चीजों का बड़ा दृश्य कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाया जाता है? हमारा आंसर है माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप पर टिक कर देंगे। नंबर फोर है हमारा विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग रेनफॉल। रेनफॉल को क्या किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है यह बताना है हमें। हमारे पास है रेन गेज। रेन गेज से हम जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, उसको मेजर करते हैं कि कितनी MMS बारिश हुई है। नंबर फाइव है हमारा विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स चेंजेस इन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज हार्ट ब्लड प्रेशर एज ए लाइट डिटेक्टर। पॉलीग्राफ। हम यहाँ पॉलीग्राफ पर टिक लगा देंगे। नंबर सिक्स है हमारा दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? हाइग्रोमीटर। हम हाइग्रोमीटर पर टिक लगा देंगे। नंबर सेवन है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर व्यूड बाय। जो दूर की चीजें होती हैं, जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे से, उसे हम मेजर करते हैं बिनोकुलर्स। बिनोकुलर्स। नंबर एट है व्हाट डज द डॉक्टर्स यूजेस टू हियर एंड एनालाइज हार्ट एंड लंग्स साउंड। हार्ट और लंग्स की साउंड को किससे मेजर किया जाता है, डॉक्टर किससे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हमने देखा है, हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे हार्ट पर स्टेथोस्कोप रखकर उसकी साउंड सुनते हैं। नंबर नाइन है दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एल्टीट्यूड्स। नंबर नाइन में है आंसर हमारा अल्टीमीटर। एल्टीट्यूड्स मेजर करने के लिए अल्टीमीटर को हम यूज करते हैं। नंबर टेन है विच इंस्ट्रूमेंट हैज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर। एमीटर में हम मेजर करते हैं। पिक्चर हंट है हमारा विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस। तो हमारा आंसर है माइक्रोफोन। हम यहाँ माइक्रोफोन लिखेंगे। हमने माइक्रोफोन लिख दिया है। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।